किला है वो, महल टाइप का, लेकिन कितने अच्छे से सजा दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई जी का किला। यहाँ पे 108 रुपए का पेट्रोल है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। और अभी देखो अपन ना है, अभी अपन है हाईवे में, है ना। तो ये है झांसी ग्वालियर हाईवे, और मैं जा रहा हूँ कहाँ, मैं जा रहा हूँ झांसी, ठीक है। और साथ है मेरे, देखो क्या, देखो मेरी बाइक, तो मैं बाइक लेके झांसी जा रहा हूँ। तो ये घड़ी है हमारी हॉर्नेट, इसी से अपन जाने वाले हैं, और हेजर्ड हेलमेट सब फिट एकदम। और बहुत दिन से इसकी सर्विसिंग नहीं कराई थी, तो अपन अब फाइनली कराने जा रहे हैं। कैसी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसकी बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी। और मैं बाइक से जा रहा हूँ झांसी, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मेरी बाइक की सर्विसिंग पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा फाइनली जाके करा लेते हैं, ठीक है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5, और अपन को जाना है यहाँ से 92 किलोमीटर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और मैं अभी अगर आराम से जाएंगे तो मैं 2 घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगा, और हेलमेट वगैरह सब डन है। तो निकलते हैं अभी अपन इधर से, और अभी इसमें इसको खाना खिलाना है। तो अभी तो ये पड़ता है MP, ठीक है, तो यहाँ पे 108 रुपए का पेट्रोल है, तो हम डलाएंगे UP से, पूरा टैंक फुल करा लेंगे आज। तो अराउंड हमें 1 लीटर का फ़ायदा हो जाएगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे 108 के आसपास है, वहाँ 98 के आसपास है। तो इसको वहीं पे खाना खिलाएंगे अपन पूरा भर पेट के, और हम भी देखेंगे कहीं बीच में रुक के नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने हीरो को और चलते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट। आगे देखो कितने सारे ख़तरनाक लोग मेरे पास आ रहे हैं, समझ लो कौन है, नौती लोग। इसको करते हैं पास, ऑन करते हैं अपनी बाइक को, ऑलरेडी ऑन। मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो ज़्यादा धूप भी नहीं हो रही है, शाम हो ही गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड लगेगी, ठीक है। तो देखो मौसम अच्छा है और बढ़िया, अपन चल रहे हैं आराम से, धीमे धीमे से। हाईवे भी खाली ही है, तो वहाँ जाके मुझे साथी की शादी के लिए शॉपिंग भी करनी है, अभी थोड़ी बहुत बची है। ये देखो स्वामी जी परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई मेहनत पड़ी होगी। बाकी मैं आपको हाईवे का पूरा मज़ा देते हुए चलूँगा, एकदम फुल व्यू, इंजॉय द व्यू गाइस। सबसे ज़्यादा डर हाईवे में लगता है ना वो, ये देखो जैसे, ये देखो ये गाय सड़क पार कर रही है, ये कहीं से भी किधर से भी आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा डर यही लगता है। तो इनसे अपन को थोड़ा बच के चलना रहता है, तो अपन इनसे बच के चलेंगे। बाइक में गाइस लिखवाने वाला हूँ हर्षू व्लॉगर, ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ लिखवाने का, आप बताओ मेरे को सही रहेगा ये। और हाँ, दूसरा मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो भाई जल्दी से 1500 सब्सक्राइबर्स कर दो, केवल 20 सब्सक्राइबर्स दूर हैं अपन 1500 सब्सक्राइबर्स से। तो आप लोग जिनको मेरी वीडियो पसंद है वो कर दो, जिनको नहीं पसंद है तो वो भी कर दो, देखते देखते धीरे धीरे पसंद आने लगेंगे, समझ रहे हो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो गाइस अराउंड आधे रास्ते आ गया हूँ मैं, और आगे लकली मुझे एक ढाबा मिल गया, बढ़िया सा लग रहा है, वहाँ पे अपन चाय पी लेते हैं चल के। और मुझे अभी वहाँ पहुँचना है, उसके बाद मुझे कार्ड कुछ बांटने हैं साक्षी की शादी के झांसी में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उसके बाद मुझे निकलना है आज ही मौरानीपुर के लिए, तो वहाँ के भी कार्ड्स मुझे देने हैं। तो मेन पर्पस यही है जाने का, बाकी साक्षी की शादी की शॉपिंग तो करनी है, वो तो अलग है, उसकी मेन शादी का जो पहनना है वो अभी तक लिया नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है, अभी इतना टाइम हो गया है, तो वो भी ले लेंगे अपन। चलते हैं अभी, फिलहाल चाय पी लेते हैं। और रास्ता तो यार बहुत 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 खूबसूरत है। चलो आप लोगों को हाईवे में बाइक चलाने के 2 सिंपल रूल बताता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल। सबसे पहला गोल्डन रूल ये है कि आपको हैंडल पूरी तम से टाइट पकड़ के रखना है, ठीक है, चाहे सामने कोई भी जानवर आए, कुछ भी होने वाला हो, आपको हैंडल एकदम कस के पकड़ना है, ताकि आपका बैलेंस एकदम मेंटेन रहे, घबराना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, ये जो देख रहे हो साइड में, ये देखो गाय जानवर,
आपको इनके आसपास आते ही एकदम गाड़ी स्लो कर लेनी है। अगर वो आपको दूर से भी दिख रहे हैं तो एकदम आपको गाड़ी स्लो कर लेनी है, क्योंकि ये कहीं से भी उछल के कुछ भी कर देते हैं। तो इनसे आपको एकदम ऐसे सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। देखो सारे कितने सारे हैं किनारे पे, रोड के किनारे पर, ये कहीं से भी आ जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो 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 कितने सारे हैं साइड में, इन्हीं की बात कर रहा था मैं। चलो सामने पेट्रोल पंप आ गया, थोड़ा सा इसका पेट फुल करा देते हैं एमपी में, बाकी इसको पूरा फुल पेट नाश्ता, भर पेट नाश्ता कराएंगे अपना झांसी में। काफ़ी दूर चलने के बाद अपन को मिली है मिड एकदम ग्वालियर झांसी के बीच में सिंध नदी। देखो देखो नीला सा पानी एकदम मस्त। देखो कुछ विसर्जित करने का किसी ने फेंका होगा, यहीं फेंक दिया रस्ते में। गाइस देखो अभी मैं आ गया हूँ दतिया, और वो देखो वीर सिंह महल, किला है वो महल टाइप का, लेकिन कितने अच्छे से सजा दिया गया है, अच्छा लग रहा है ना। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और यहाँ से भी 20 किलोमीटर और बचा है, तो चलते हैं। सो फाइनली एंटर कर चुके हैं अपन झांसी है ना, और यूपी लग चुका है यहाँ से। बस चलते हैं अपने फ्रेंड अमित के यहाँ, चलते हैं पहले उसको कार्ड दे देते हैं, और उसके बाद जल्दी से कोशिश करते हैं निकलने की। यहाँ पे मज़ा आ गया यार, मतलब पूरे रास्ते में फन था, फन थोड़ा सा मेरा जरूर हो गया था, बट ठीक है ठीक है कहाँ। सो गाइस अभी अपन एंटर कर चुके हैं झांसी, और ये देखो झांसी की सबसे बढ़िया चीज रानी लक्ष्मीबाई जी का किला यही है, ठीक है। अभी तो नहीं, अभी तो रात हो गई है, किसी दिन मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा अंदर, प्रॉपर किला दिखाऊंगा, ठीक है पूरा। और इधर पे पार्क है, यहाँ पे तो अभी पार्किंग हो रखी है, पीछे पार्क है। तो ये एरिया जब भी मैं यहाँ था, तो जब मैं एकदम सुकून वाले टाइम पे होता था तो मैं यहीं पे रुकता था, बैठता था यहीं दीवारों में, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो घूमेंगे अभी अपन अंदर आराम से। तो रात में बज रहे 9:30 और मैं आ गया हूँ मौरानीपुर फाइनली, वहाँ तक बाइक से आया था, इसके बाद बस में आ गया था। तो अभी अपन खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के आराम से अब आराम करते हैं, सोएंगे जल्दी, क्योंकि अभी हमारा और ऑलवे का प्लान बना है कि कल जाएंगे हम लोग डैम, तो आपको डैम घुमाऊंगा कल सुबह, तैयार रहना एकदम, जल्दी उठ जाना, ठीक है। और चलो ठीक है, खाना पीना खा के मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और वीडियो को प्यार बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखो। सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से कर दो, कितनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और आपके प्यार की बहुत सारी ज़रूरत है। तो जल्दी से जाके चैनल में ये लाल बटन को एकदम हिट कर दो, फोड़ दो, तोड़ दो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।